एक लड़का जबरदस्ती किसी के घर में चढ़ गया, उसने किसी के झंडे को हटा दिया, तो उसमें कानून है। लेकिन धर्म ये भी नहीं कहता है कि आप अगर कोई आपके घर में आया तो आप उसको गोलियों से मार दो। धर्म ये भी नहीं कहता है, क्योंकि अगर उसने झंडा उतारा तो आप एप्लीकेशन लगाते, FIR करते, संस्थाओं का इस्तेमाल करते। आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कानून किस लिए? या फिर आप किसी को मार देंगे, आप आतंकवाद फैला देंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर हमला किया तो आप कानून का सहारा लेंगे ना। चलिए किया मैंने, आपकी बात को समर्थन किया, आप कानून का सहारा लेंगे या गोलियां चला देंगे, मार देंगे किसी को? किसी के घर पे चढ़ना गलत है, किसी के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, तो उसके लिए कानून है। ऐसे नहीं है कि आप गोली चला दोगे। जिस साइड से गोली चली वो लोग जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे थे वो लोग जिम्मेदार हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है भाई। किसी का बेटा मरा है, समझ गए? किसी की हजारों दुकानें जली हैं, किसी के घर टूटे हैं, को सुधारी तभी दूसरों को सुधारोगे ना। तो दूसरे को तभी सुधारोगे ना। मेरा सवाल ये है, अगर हिंदू शोभा यात्रा होती है तो हमारे यहाँ पे भी पत्थरबाजी क्यों होती है? अब सवाल आप जवाब दो ना, आपके पास ही उसका जवाब है। जब हिंदू निकालता है यात्रा तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं? कारण बता। तो ये कारण आप उनसे पूछो ना जो पत्थरबाजी करते हैं। अरे लड़का मर गया एक, आप वीडियो मांग रहे हैं? 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, हिंसा गलत है। किसके? कानूनी कार्रवाई करते, FIR करते, मुकदमा करते, जेल भेजते। हाँ तो वही बताओ ना, आपने गोली चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? ये लोगों के दिमाग में आ कैसे रहा है? क्योंकि जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग हैं वो दिमाग को नौजवानों के इधर एक दिशा में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन धर्म कोई भी हो ये नहीं कहता कि आप किसी को मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को जान से मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप भाईचारे को खराब करो। धर्म कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, खूब डंका बजाओ धर्म का, और खूब आप उसके लिए करो जो चीज़ें होती हैं धर्म में, जो हमारे धर्म के त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उन धूमधाम से मनाओ। हम अपने पूर्वजों को और हम अपने जो ईस्ट आराध्य हैं हम उनको समय समय पर याद करते रहे। धर्म ये कहता है। ये भी तो नहीं कहता ना, भड़काऊ गाने बजाइए किसी, बिल्कुल भी नहीं कहता। किसने कहा कि धर्म ऐसा कहता है? ना धर्म ये कहता कि आप भड़काऊ गाने बजाओ, ना धर्म ये कहता कि आप किसी के घर में जाओ। लेकिन धर्म ये भी नहीं कहता है कि आप अगर कोई आपके घर में आया तो आप उसको गोलियों से मार दो। धर्म ये भी नहीं कहता है। तो प्रीप्लांड नहीं लग रहा कि भाई पहले से ही इतने लोग वहां पे मौजूद थे, पहले से ही वहां पर गोलियां मौजूद थी, तो प्रीप्लांड नहीं है चीज़। देखिए अगर यात्रा निकली है, सबसे पहले तो इसमें सरकार की जो है नाकामियां भी रही है कि जब इस तरीके की यात्राएं निकलती है पूरी व्यवस्था होती है, और बिना परमिशन के यात्राएं नहीं होती है। चार लोगों को भी बिना परमिशन के नहीं इकट्ठा होने देते हैं। लेकिन अगर परमिशन है, और फिर अब की व्यवस्थाएं क्या कर रही थी सरकारी व्यवस्था, क्या कर रही थी? दूसरी बात ये, एक लड़का जबरदस्ती किसी के घर में चढ़ गया, उसने किसी के झंडे को हटा दिया, तो उसमें कानून है, कानून है, संविधान है कि आप, पहली बात तो चढ़ा कैसे वो जब वहां इतनी पुलिस थी, और जब चढ़ गया वो बंदा, और गोली कैसे चली, किसके पास गोली आई, इसका मतलब पहले से ही पता था आप लोगों को कि यहाँ पे कोई छत पे चढ़ेगा और उसको गोली से मारना है। इस बात की जवाबदेही किसकी है? इस बात की जवाबदेही किसकी है कि पूरा प्रशासन वहां मौजूद था, सरकार के लोग वहां मौजूद थे, सरकारी सिस्टम वहां मौजूद था, लेकिन एक लड़का चढ़ गया छत पर और उस पर निहत्ता, ना उस पर कोई गोली थी, ना कोई बंदूक, ना चाकू, ना छुरा, कुछ भी नहीं था, और उसको फिर मतलब टाइमिंग देखिए आप कितनी सटीक बैठ रही है कि एक लड़का झंडा उतारते ही तुरंत उसको गोलियों से छलनी कर दिया। मतलब कैसे? मतलब तो यही है ना, कैसे? पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अगर उसने झंडा उतारा तो आप एप्लीकेशन लगाते, FIR करते, संस्थाओं का इस्तेमाल करते। आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कानून किस लिए? अगर आपके लिए कोई गलत चीज हो रही है तो आप कानून का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? या फिर आप किसी को मार देंगे, आप आतंकवाद फैला देंगे? आतंकवाद तो जो मौजूद थे उनकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है, जनता की जवाबदेही नहीं है इसमें। इसमें सरकार की जो व्यवस्था है उनकी जवाबदेही है, और जिस साइड से गोली चली उनकी भी जवाबदेही है। बिल्कुल कहती हूँ साफ साफ कि वो लड़का गलत चढ़ा, छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो चढ़ गया तो कानून में व्यवस्था है। आप एप्लीकेशन लगाते कि हमारे घर पे कोई जबरन चढ़ गया और उसने हमारे झंडे के साथ छेड़छाड़ की है, कोई हमला कर दे, हमला नहीं किया, नहीं 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 नहीं, अगर हमला किया तो आप कानून का सहारा लेंगे ना। चलिए किया मैंने, आपकी बात को समर्थन किया, लेकिन आप कानून का सहारा लेंगे या गोलियां चला देंगे, मार देंगे किसी को? मार देंगे। और आज बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि जब मैं मीठा मीठा दूंगी तो आप लेंगे, और मैं जब कड़वा बोलूंगी तब आपको तकलीफ होगी। न जाने कितने लोगों को दिक्कतें होंगी। जब मैंने अपने पैसे का लाइव किया तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। क्यों?
अरे अगर कोई चीज गलत है, रैली तोड़ना भी गलत है, किसी के घर पे चढ़ना गलत है, किसी के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, तो उसके लिए कानून है। ऐसे नहीं है कि आप गोली चला दोगे, उस भड़की हुई आग में और भड़का दोगे। आप घी डालने का काम करोगे कि बचाने का काम करोगे या शांत करने का काम करोगे? किसका काम? कौन है जिम्मेदार? सब लोग वो जिम्मेदार हैं जिस साइड से गोली चली, वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे थे, वो लोग जिम्मेदार हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है भाई। एक अगर इस तरीके की यात्रा निकलती है, कोई पहली बार नहीं है, ये चीज पहली बार नहीं हुई, यात्राएं पहली बार नहीं निकली। और जब भी कोई त्योहार इस तरीके का आता है, चाहे वो दूसरे समुदाय का लगा लीजिए, चाहे वो सनातन धर्म का लगा लीजिए, तब आप क्यों एक्टिव नहीं होते? क्यों छोड़ देते आप लोगों को जलने झुकने के लिए? जवाबदेही तो आपकी है ना, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल आपसे किए जाएंगे। किसी का बेटा मरा है, समझ गए, किसी की हजारों दुकानें जली हैं, किसी के घर टूटे हैं। तो जब जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तभी ऐसा क्यों होता? अम्बेडकरवादी तो निकालते शोभा यात्रा, उसमें तो कुछ नहीं होता। मतलब आपको सिर्फ एक वाद करना है, एक वाद के तो आप खिलाफ रहते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहते हैं आप, ठीक है, और हिंदूवाद के आप खिलाफ रहते हैं, दूसरे वाद को आप पैदा कर रहे हैं, तो आप गलत है ना इसका मतलब? मैडम सुन तो लीजिए, सुनाइए, एक घटना बताइए जहां पर हिंसा हुई, जहां अम्बेडकरवादी कोई यात्रा निकाल लेते हैं, अम्बेडकर 14 अप्रैल को निकलती है ना शोभा यात्रा? हाँ निकलती है। तो कहां कोई एक हिंसा? भाई मैंने तो अभी मैंने तो आपको देखिए बहुत सारी ऐसी जगह, हरियाणा में भी एक बार ऐसे हुआ था। कहां हुआ था? हरियाणा में भी हुआ था, न्यूज निकाल करके देख रहा, न्यूज आप निकाल के देखना। दूसरी बात, आप एक वाद को खत्म करने की बात करते, दूसरा वाद आप पैदा कर रहे, तो फिर आप पहले अपने आप को सुधारिए, तभी दूसरों को सुधारोगे ना। तो दूसरे को तभी सुधारोगे ना। सवाल ये है अगर हिंदू शोभा यात्रा होती है, होती है हमारे यहाँ पे भी, पत्थरबाजी क्यों होती है? अब सवाल आप जवाब दो ना, आपके पास ही उसका जवाब है। जब हिंदू निकालता है यात्रा तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं? कारण बताए तो ये कारण आप उनसे पूछो ना जो पत्थरबाजी करते हैं। अब मैंने थोड़ी पत्थरबाजी की है, आप उनसे पूछो जो करते हैं, क्यों करते हैं? जब भी चाहे कोई शौर्य यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो नवदुर्गा की लखीमपुर वाली यात्रा हो, क्यों ऐसा होता है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जो पत्थरबाजी करते हैं उनसे तो पूछा जाना चाहिए, सत्ता से भी पूछो ना। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हो तभी ये चीजें ज्यादा क्यों होती है? धार्मिक यात्राओं में तलवारों का भालों का क्या काम होता है? धार्मिक यात्राओं में सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते आप कि हिंदू धर्म में ही इन सब चीजों का, धार्मिक सभी यात्राओं में, हाँ सभी यात्राओं में। तो देखिए तलवारों का, जैसे मुस्लिम समुदाय में वो लोग अपना मुहर्रम निकालते हैं, वो भी रखते हैं, कह देते हैं कि ये हमारे धर्म का है, सिख धर्म है उसमें भी रखते हैं और हिंदू धर्म में भी रखते हैं। अब इस चीज को तो कोर्ट तय करेगा, मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये किसी की धर्म की आस्था की सवाल है ये, भाई मैं थोड़ी मना कर सकती हूँ। जय श्री राम का नाम लगाते हैं, राम राम चलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ये कहाँ का नारा है आपका बताइए? देखिए इस तरीके के जो नारे हैं ये भड़काऊ नारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि हिंसा फैले और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनकी कुर्सी ना डगमगाए। जो की लगाए जाते हैं नारे किसके? मुसलमानों के नाके में। देखिए देखिए इस तरीके की चीजें, ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि उधर ही, जब दोनों तरफ से, जब मेवात में हुआ था शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी तो तब भी इस तरीके की चीजें हुई थी, तो हम एक चीज को नहीं कह सकते। गलतियां दोनों में है तो दोनों को ही कहेंगे ना, दोनों में ही कहेंगे। देखिए जो व्यक्ति गलत था उसके लिए हमने गलत भी बोला, आप मेरे इंटरव्यूज देख सकते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं इसलिए मैं भड़क रही हूँ। दोनों तरफ है बदनाम हिंदू, हिंदू इसलिए किए जाते हैं बदनाम क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार होते होते हिंदू हिंदू कहने वाली पार्टी जो है आज वो बिल्कुल अपने कामों से विहीन हो गई है, इसलिए कहा जाता है। और दूसरी बात, हिंदू को टारगेट किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं है कि सनातन धर्म और उसका प्रचार और उसके प्रचारक जो है हमेशा नियंत्रण रखें और ये धर्म भी बचे, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म के पीछे बहुत लोग पड़े। किसने कहा भाई? और धर्मों भी होते तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं मुस्लिम धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, सिख धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, जिसमें कृपाण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाएं करते हैं, तो ये उनकी धर्म की आस्था, ये चीज कोर्ट कहेगा, मैं कैसे कह सकती हूँ? आप बताइए विसर्जन में तलवारों का क्या काम होता है? आप ये बताइए मुहर्रम में तलवारों का क्या काम होता है? कहाँ होती है? हाँ मैंने देखी है, आप मेरे पेज पे वीडियो अभी दिखाऊंगी भाई, इंटरव्यू ऑफ होते ही मैं प्रोग्रामों में जाती हूँ। और ऐसे ही जब सिख धर्म का निकलता है
कृपाण का, ये मारने के लिए नहीं होती, लोग इनका गलत गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बोल रहे हैं आप। छोटे छोटे बच्चे अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं बड़ी तलवारों से, गलत बोल रहे हैं आप, भाले का भी करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन करने के लिए होती है, चाहे वो दुर्गा पूजा में हो, चाहे मोहर्रम में हो, चाहे सनातन धर्म के किसी त्योहार में हो, ये हिंसा फैलाने के लिए नहीं होती है। तलवार की जांच पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और सही भी है, पर इस चीज का सवाल कौन उठाएगा कि उन मुसलमानों के पास गोलियां कहां से आई? इस चीज का सवाल हम और आप उठाएंगे, वही पूछ रही हूँ ना मैं। चलिए अगर 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 किसी चीज का गोलियां आती है तो क्या पहले भी उनका इस, क्योंकि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, किसी ने पत्थरबाजी कर दिया और ज्यादातर ऐसा होता है कि गोलियां चल ही जाती हैं। मुस्लिम तो पहले से सरकार क्यों नहीं देख रेख करती कि इधर से यात्रा जाएगी, क्यों नहीं करती है? इसमें सरकार की जवाबदेही है ना। मुस्लिम और जिन लोगों के घरों में मिलती है आप क्यों नहीं कानूनी कड़ी कार्रवाई करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? जब आप कड़ी कानूनी कार्रवाई करोगे तो क्यों नहीं होगा समाधान? पहले तो नहीं होता था ऐसे, तो बट क्यों रहे हो? बटो मत, एक रहो, बट क्यों रहे हो? योगी जी की कभी आप किस बात से आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं बीजेपी का? देखिए मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, समझ गए आप? और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आज आपको तकलीफ हो रही है? आप तो कह रही है ठीक कह रहे हैं। नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैं तो इस बात को कह रही हूँ, बटोगे क्यों? बटो ही मत। तो अगर आप बटोगे नहीं तो आप ही ने कहा कि बटोगे, कौन बांट रहा है? देखिए आपका ही सवाल है और आप खुद जवाब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बटोगे क्यों? बटना पूरे देश को बांट दिया गया, यहाँ बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। यही तो योगी जी कह रहे हैं, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिया और यहाँ आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म की। ठीक है, आप एक धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? आप सब एक रहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्यों नहीं एक रहते? बटोगे तो कटोगे तो क्या उसका? मैं योगी जी नहीं हूँ, मेरा चेहरा भी योगी जी से नहीं मिलता। आप मुझसे मेरे सवाल कीजिए, जो योगी जी ने सवाल किया उनको तो सिर्फ धर्म को ही बांटना है, उनको तो जनता को ही बांटना है, उनको तो इस देश को ही बांटना है, उन्होंने तो ठान लिया है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि बटो मत, पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। पंडित सबको एक साथ लाने के लिए क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल मैं सभी को ये बोलती हूँ, ये भारत की भूमि जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ सभी एक रही और एकत्रित रही। और सबसे पहली बात, जो व्यक्ति हिंसा करता है दंगे फैलाता उसका कोई धर्म ही नहीं होता, वो धर्म को कभी पढ़ता ही नहीं है। अगर वो धर्म को पढ़ ले तो वो हिंसा ही ना फैलाए। लेकिन धार्मिक यात्रा में हुआ सारा बवालों को पता होना चाहिए। तो धार्मिक यात्रा में हुआ है, दंगा आई है। किसने कहा? ये जो हुआ है देखिए बहराइच में जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ की बात करेंगे, दोनों ही तरफ गलतियां दोनों तरफ से, किनकी तरफ से? अरे लड़का मर गया एक, आप वीडियो मांग रहे हैं? 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ हिंसा गलत है। किसके? कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR करते, मुकदमा करते, जेल भेजते। हाँ तो वही बताओ ना, आपने गोली चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जवाबदेही है ना। मतलब आप एक बात बताइए, एक लड़का एक बात को स्वीकार रहा है वीडियो में, आप उसको नहीं मानते हैं? पूनम पंडित को क्या लगता है मुसलमानों ने मारी है गोली? देखिए मैं ना ये कहूंगी किसने मारी है, तो सुनिए, जिस लड़के ने स्वीकारा है कि हाँ सरफराज ने कि हाँ मुझसे भूल हो गई, उस लड़के ने गोली मारी है। मेरी तरफ से न ये गोली एक धार्मिक व्यक्ति ने मारी है, मेरी तरफ से एक आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति ने ये गोली मारी है। आप आतंकवाद नहीं फैला दोगे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए एनकाउंटर किसी चीज का समाधान नहीं है, जो कानूनी प्रतिक्रिया है, जो कानून में सजा है वो पूरी होनी चाहिए। देखिए बुलडोजर जो है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, जो कोर्ट निर्णय करे उसका निर्णय आना चाहिए, जो कोर्ट तय करेगा। हम और आप कौन है तय करने वाले? कोई भी नहीं है। जो हम और आप थोड़ी तय करेंगे कि बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर करके समस्या का समाधान नहीं होगा ना भाई, इसलिए आप लोग तो चाहते हो एनकाउंटर हो जाए। क्यों हो जाए? अरे पूछो ना कैसे हिंसा फैलाई, किसके कहने पे गोली चलाई, क्यों किया, कभी पता चले शक्तिमान ही गंगाधर है।